हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज शुभम। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस ऐप की ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करना है। मतलब बहुत ही सिंपल काम है, जैसे कि लास्ट टू लास्ट आपने कभी कभी पगार बुक का वीडियो देखी होगी, बट पगार बुक से भी बहुत ईजी काम है जिसके लिए कंपनी आपको 22,000 रुपये सैलरी दे रही है। जी हाँ, 22,000 रुपये वर्क एक्स दे रही है आपको। तो इस चीज के लिए पर्टिकुलर कुछ कुछ सिटीज में ही है, अभी हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हाँ जिन जिनको मैं बताऊंगा वो सिटीज का नेम मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा जैसे जैसे ओपन होता रहेगा वैसे वैसे। तो आज की इस वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखेंगे कि कस्टमर को क्या समझाना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा कस्टमर, वो चीज बताना है एंड आपको बॉट कैसे फिल करना है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। तो प्लीज एक विनती करता हूं कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें ताकि आपको सारी नॉलेज एक्यूरेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो जो हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई भी नया जॉब भी आएगा तो उस चीज के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी कोई भी क्वेरी हो। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो बगल में आपको स्क्रीन दिख जाएगा यहाँ पे, तो पर्टिकुलर उसमें आपको मैं बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद देन आपको वहां पे बिजनेस सर्च करना है। स्पेलिंग होता है, आप थंबनेल पे भी देख चुके होंगे एंड पर्टिकुलर इसको भी आप सर्च कर सकते हो, BIGNIS बिजनेस नाम है इसका। पर्टिकुलर इस ऐप का काम क्या है, तो काम ऐसा है कि जो शूज वगैरह होलसेलर वगैरह होते हैं तो वो सारों को बिजनेस टू बिजनेस लाता है, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर के दुकानदारों को इजी प्राइस में देता है और मतलब डिलीवरी चार्ज भी इतना नहीं लेता है, मतलब कुछ भी। तो ये कुछ एप्लीकेशन का लोगो है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड इसके बाद ओपन करना है आपको सबसे पहला काम। तो उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐप में सबसे पहले आप लॉग इन कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा साइन अप एंड पूछेगा वहां पर आपको दो चीजें, एक साइन इन यानी कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप उसको लॉग इन कर सकते हो, अगर नहीं बना हुआ है तो आप उसको वापस से नया अकाउंट बना सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे पहले कि मोबाइल नंबर एंटर करें। तो मोबाइल नंबर जो कस्टमर का है वो डालना है यहाँ पे, तो जैसे कि मेरा नंबर है यहाँ पर तो वो मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पर उसके बाद दुकान का नाम, जो दुकान का बोर्ड पे नाम लिखा है, जो GST पे नेम लिखा है वही नेम मैच होना चाहिए यहाँ पे। अब पर्टिकुलर सबके पास GST होगा नहीं, तो एक विजिटिंग कार्ड तो होना चाहिए या फिर शॉप के बोर्ड पे नाम जरूर होना चाहिए इस चीज के लिए। पर्टिकुलर इस चीज के लिए आपको कंपनी की तरफ से यानी वर्केक्स की तरफ से आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, आपको वो दुकान पे जाकर के आपको ऑनबोर्डिंग करनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी कस्टमर की, अपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। पर्टिकुलर अगर GST है तो कस्टमर का थोड़ा बहुत जो है GST रिटर्न भी फाइल कर पाएगा बाद में। तो दुकान का नाम, जैसे कि मेरा नाम अभी शुभम फुटवेयर नाम है दुकान का। पर्टिकुलर मैंने आपको जैसे कि बताया ऑलरेडी कि इस चीज के लिए बना पाओगे। फिर एक पासवर्ड बनाना रहता है, तो पासवर्ड जो है 6 अंक का मिनिमम होना चाहिए जिसमें कि नाम और लेटर मिक्स होना चाहिए। तो वो कस्टमर को ही बनाने दे को अच्छा सा पासवर्ड, देन उस पर रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आगे आपको यहाँ पे एक OTP जाएगा, OTP डालने के बाद सबमिट हो जाएगा। तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए साइन इन कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो साइन इन पे मैं क्लिक करूंगा। देन उसके बाद आप इधर आएंगे तो ऊपर नाम दिख जाएगा आपको। आपको कस्टमर को एक ट्रेनिंग देनी है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया यहाँ पर। आपको कस्टमर को एक छोटा सा ट्रेनिंग देना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आपको दिख जाएगा, जो कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे शूज प्लेस करना है दुकानदार को, होलसेल में लेना है तो शूज के लिए कलेक्ट करेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे वेरायटी का शूज यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, तो कोई भी एक शूज सेलेक्ट कर ले यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे। पर्टिकुलर ब्रांड, ये सारी चीज आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे शूज सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद कितना पेयर लेना चाहते हो, कितने कलर लेना चाहते हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे आएंगे, जैसे बाय नाउ पे जैसे अपने क्लिक करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप कितने पेयर इस शूज के लेना चाहते हो। मिनिमम 4 पेयर उसको ऑर्डर करना ही पड़ेगा कस्टमर को, क्योंकि होलसेल मतलब पता चल रहा है होलसेल का ही चीज है ना। तो उसके बाद यहाँ पर मिनिमम बेयर मिनिमम 22 पेयर बोल रहा है यहाँ पे इस शूज के लिए। पर्टिकुलर 4 ही ऑर्डर करना होता है हमें, तो आप कलर वगैरह भी आप इसमें चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये शूज है। तो कोई पार्टी वेयर शूज का हम ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो पार्टी वेयर शूज के लिए बात करें यहाँ पर अपन, तो ये देख सकते हो इधर नीचे आएंगे थोड़ा सा, फिर से बैक आ जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे पार्टी वेयर शूज चूज कर लिया। अब मिनिमम 4 पेयर इसको कस्टमर को ऑर्डर करना रहेगा, तो बाय नाउ पे फिर से क्लिक करेंगे। अगर उसमें कुछ कलरिंग वगैरह का फेरफार करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। नंबर ऑफ साइज पहले चूज कर लेंगे, साइज चूज करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर करना पड़ेगा, तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम कितना भी कस्टमर ले सकता है। एड टू ट्रक पे जैसे आप क्लिक करने जाओगे, देन ट्रक वाले ऑप्शन पे जाइए, उस पर्टिकुलर उस प्राइस पे उस पर क्लिक कीजिए एंड मतलब जो इसका जो है साइज, देन उसके बाद नंबर ऑफ पेयर चूज कर लें, देन अप्लाई पे क्लिक करें, एड टू ट्रक पे जाएं एंड देन उसके बाद वापस से एड टू ट्रक पे आ चुके अपन यहाँ पे। सो 3 ऑर्डर मैंने प्लेस करा ऐसा बता रहा है,
इसमें आप तीन प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। कस्टमर सीओडी भी ले सकता है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी पूरा 100% भी कर सकता है, यानी कि दुकान पे आपका प्रोडक्ट आ गया फिर उसके बाद कस्टमर उसको पे कर सकता है चाहे तो, या फिर 20% एडवांस पे कर सकता है, या फिर कस्टमर चाहे तो 80% कैश ऑन डिलीवरी रखवा सकता है, जैसे कस्टमर को इच्छा हो। अभी यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है छोटा सा, अगर आप पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे एडवांस में पे करते हो तो 3% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कस्टमर के पास जीएसटी बिल है तो जीएसटी बिल डाले, नहीं है तो मत डालिए, ठीक है। अब ये आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर आपको जीएसटी बिल डालेगा तो जीएसटी रिटर्न आ जाएगा, तो उसमें एंट्री भी हो जाएगी अच्छा सा, अच्छा खासा। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करें, देन उसके बाद यहाँ पर एड्रेस शॉप का कंफर्म करने को बोलेगा। सबसे पहले एड न्यू एड्रेस पे क्लिक करें, देन उसके बाद यहाँ पे आपको जो है शॉप का पिन कोड, स्टेट, सिटी और सारे के सारे मतलब शॉप नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी रहेगी। स्ट्रीट, फिर लोकेलिटी, जो भी दुकान का विजिटिंग कार्ड ले लो, विजिटिंग कार्ड से मैच होना चाहिए क्योंकि एक फोटो डालनी पड़ती है, तो आप उस केस में चाहे तो एक विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है वो भी सिखा दूंगा मैं, अगर दुकानदार के पास नहीं है तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता ही होता है। देन उसके बाद ये सब करके सेव एड्रेस पे क्लिक कर दिया। सेव एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद यहाँ पर आप बैक आ जाओ और एक छोटा सा काम यहाँ पे और करना है आपको। ये इधर आएंगे, थ्री आइकन पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन पे क्लिक करके जीएसटी नंबर अगर है कस्टमर के पास तो जीएसटी नंबर डाल के आप उसको वेरीफाई कर दें। अगर वेरिफिकेशन के तौर पे दूसरा एक चीज यहाँ पे और डालना रहेगा आपको, बिल बुक, विजिटिंग कार्ड या शॉप फोटो। शॉप फोटो यानी दुकान का नाम तो लिखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, या विजिटिंग कार्ड का फोटो है या बिल बुक का फोटो है, तो कोई भी डाल करके आप इसको डन पे क्लिक कर दें एंड यहाँ पे अपलोड कर दें इसके अंदर से, गैलरी के अंदर से, एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें आप लोग चाहे तो। अब बैंक डिटेल कस्टमर की मर्जी है, डालना चाहे तो डाल सकता है, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकता है, वो उनकी मर्जी है। तो कुछ ये तरीके से आप ऐप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे और कस्टमर को ये चीज समझाओगे कि आप इजीली घर बैठे बैठे भी आप ऑर्डर करना चाहो तो घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर पाओगे, तो इतना इजी काम है और इसके आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कुछ भी नहीं देना है आपको। अब आते हैं अपने बॉट भरने की बात करते हैं। तो बॉट कैसे फिल करना है, तो बॉट फिल करने के लिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको एक बॉट लिंक दूंगा यहाँ पे। तो बॉट लिंक आप जैसे फिल करोगे, जैसे कि अपने लास्ट प्रोजेक्ट में भी आप लोगों ने, कई लोगों ने बॉट फिल करना जानते ही होंगे आप लोग, बट अभी के लिए आपको जो है अभी जो बॉट फिल करना है वो वाला बॉट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे आप गूगल क्रोम पे, जाना है आपको। तो गूगल क्रोम पे जाने के बाद ऐसा पूछेगा, हेलो वेलकम टू बिजनेस मर्चेंट ऑनबोर्डिंग बॉट, ठीक है, तो प्लीज फिल द नेसेसरी डिटेल्स। अब इसके अंदर जो है आपका नंबर सबसे पहले आएगा, हमेशा आपका ही नंबर आएगा पहले पहले में, क्योंकि आपके नंबर पर ओटीपी जाता है, कस्टमर के नंबर पर कोई ओटीपी नहीं जाता है यहाँ पे। अब मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी चला जाएगा आपके नंबर पे। ओटीपी चला जाने के बाद आप उसको ओटीपी को फिल करें, वहां पे चार अंक का ओटीपी आएगा, उसको फिल करना है आपको। और उसके बाद शॉप का जो नेम है, यानी दुकान का नाम शुभम फुटवेयर डाला था, शुभम फुटवेयर ही डालूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब शुभम फुटवेयर डाल दिया मैंने, देन उसके बाद सेंड कर दीजिए उसको। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, प्लीज टेल अस द नेम ऑफ द शॉपकीपर, दुकानदार का नाम अब एडिट करना रहेगा। तो इसके लिए आपको ऐप के अंदर चला जाना है वापिस से। ऐप के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो ऊपर से फिर से थ्री आइकन पे क्लिक करेंगे आप। थ्री आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ आएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव नेम में आपको यहाँ पर नाम डाल देना रहेगा एंड सेव पे क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब दुकानदार का नाम भी यहाँ पर शुभम है, तो मैं यहाँ पर शुभम लिख दूंगा, जैसे कि मेरा टेस्ट लिख सकता हूँ चाहो तो मैं। फिर उसके बाद प्लीज टेल अस द फोर्थ मर्चेंट फोन नंबर, मर्चेंट का जो फोन नंबर है अब पूछा जा रहा है, तो अब मर्चेंट का फोन नंबर अब आपको डालना रहेगा। देन उसके बाद मर्चेंट का नंबर डाल दीजिए, आप अपना नंबर मत डालिएगा प्लीज, ध्यान रखिएगा। आपको बोला जा रहा है प्लीज अपलोड अ पिक्चर ऑफ स्क्रीन शोइंग द मर्चेंट्स प्रोफाइल ऑन द बिजनेस ऐप। अब आपको यहाँ पे कौन सा फोटो लेना है ये चीज बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको जो है ये वाला फोटो लेना रहेगा। अब जैसे ही बैक आएंगे तो ये वाला फोटो ऐसे करके आपको इसको स्क्रीन पे, इस चीज का फोटो आपको वहां पे बॉट में लेना रहेगा। तो मैं अभी फोटो हाल फिलहाल के लिए ऐसे अपलोड कर देता हूँ। तो अभी इसको ऊपर जाइए, कैमराज पे ऑन कीजिए और आप अपना फोटो यहाँ पे ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये फोटो, वो वाला फोटो डालना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो फोटो डाल देंगे आप। देन उसके बाद ये पॉपअप होगा, अप डाउन करेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे दुकान का फोटो अपलोड करने का बोलेगा, या फिर विजिटिंग कार्ड है दुकानदार का, या फिर उसका बिल बुक है तो उसका फोटो अपलोड कीजिए, ठीक है। कस्टमर को हाथ में पकड़वा करके आप इसको है ना यहाँ से अपलोड कर दीजिए एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना है आपको। फिर से आप टिक मार्क पे क्लिक करें, देन उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद आपको जाना है आगे, एक फोटो मांगेगा आपको यहाँ पे कि सेल्फी लेना है दुकान के साथ आपको। तो दुकान के साथ सेल्फी कैसे लेंगे अपन, मुंह पे मास्क पहन लेंगे क्योंकि COVID-19 चल रहा है आपको पता है, जैसे कि मास्क पहन करके फिर से कैप्चर इमेज करेंगे। कैप्चर इमेज करने के बाद दुकान पीछे बैकग्राउंड आपका दिख रहा होगा दुकान का, तो उस दुकान के साथ आप सेल्फी ले लें ऐसे करके आप पर्टिकुलर, तो उसके बाद सेल्फी आप ले सकते हैं एंड देन उसके बाद आपका मर्चेंट ऑनबोर्डिंग सक्सेस हो गया। इसी बात का आपको 100 रुपीज दिया जा रहा है।
अब आप आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको मैं, कंपनी कैसे चेक करेगी। तो कंपनी आपको रिपोर्ट देगी जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा रिपोर्ट हर टाइमली बेसिस पे। अप्लाई अगेन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है। आप नेक्स्ट मर्चेंट बनाने के लिए आप तैयार होंगे, डेटा आपको मिल जाएगा, आप वहां से काम करते रहें। और बहुत जल्द हम लोग पूरी ऑल ओवर इंडिया भी शॉपिंग मतलब जो है चीज स्टार्ट करेंगे। गाइज एक चीज ध्यान रखें आपकी, ये सिर्फ ऑनबोर्डिंग फुटवेयर यानी कि दुकान जो चप्पल जूते की जो दुकानें होती है उनको ही आप ऑनबोर्ड कर पाएंगे, और वो भी सिलेक्टेड सिटीज में ही। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड प्लीज इस दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जो मतलब लगता है कि जो जो सिटीज में है। कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सिटीज का नाम वगैरह दिख जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।